विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जांपल में गिवन है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल स्क्वायर रूट टू, देन हमें फाइंड आउट करना है x टू द पावर ऑफ 224 प्लस वन डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 224 का वैल्यू क्या होता है, हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन, तो गिवन है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट टू। ये स्क्वायर रूट अगर टू निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करो, तब ये बनते दोनों तरफ इसे स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये स्क्वेयर रूट यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा। यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी। यहाँ पर ए इक्वल्स एक्स और बी इक्वल्स वन बाई एक्स, तब ये बनते एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स इंटू वन बाई एक्स इक्वल्स, ये दोनों गया तो ओनली यहाँ पर रिमेनिंग टू रहेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ये दोनों गया तो ओनली टू रहेगा यहाँ पर इक्वल्स टू। तो यहाँ पर माइनस टू इधर भी लो, माइनस टू इधर भी लो, तो ये दोनों कट हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल्स जीरो बनते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी एक्स स्क्वेयर से ये हमें निकालना है, तो इसमें होज इस सबको एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जीरो को यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब ये बनते हैं एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर मीन्स एक्स टू द पावर ऑफ फोर बढ़ेगा और ये एक्स स्क्वेयर निकल जाएगा, ओनली प्लस वन रहेगा इक्वल्स एक्स स्क्वेयर इंटू जीरो मीन्स जीरो रहेगा। तो ये पॉजिटिव वन ये साइड में लिया राइट साइड में, तो एक्स टू दी पावर फोर इक्वल्स माइनस वन, ये हमें मिला एक्स टू दी पावर ऑफ फोर का वैल्यू। क्या मिला एक्स टू दी पावर ऑफ फोर का वैल्यू, एक्स टू दी पावर ऑफ फोर इज इक्वल्स टू नेगेटिव वन। तो हमें फाइंड आउट करना है किसका वैल्यू निकालना है, एक्स टू दी पावर ऑफ 224 प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर ऑफ 224 का वैल्यू हमें निकालना है क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स टू द पावर ऑफ 224 इसका क्या होता है देखेंगे। एक्स टू द पावर ऑफ 224 दिस इक्वल्स एक्स टू द पावर ऑफ 4 इंटू 4 5 जार 24 4 6 जार, ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू 56 मतलब 224 ही बनते हैं। 224 को मैं ब्रेक किया, 4 इंटू 56 बनाया, तो इसे हम x टू द पावर ऑफ 4 होल टू द पावर ऑफ 56 भी बना सकते हैं, क्योंकि a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n इक्वल्स a टू द पावर ऑफ m इंटू n है। तो ये ऊपर का ऐसा था तो हमने ये फॉर्म में लाया इसको, x टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू उसके जगह में माइनस वन रखो तो पावर 56। तो हमें मालूम है माइनस वन टू द पावर अगर ऑड रहा, पावर माइनस वन का पावर ऑड रहा तो नेगेटिव वन आ जाएगा इसका आंसर, और नेगेटिव वन का पावर अगर इवन रहा तो इसका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा, यह रूल हमें मालूम है। तो ये 56 माइनस वन तो है और बेस में इवन, ये 56 इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, इसलिए ये इवन मतलब इसका वैल्यू माइनस वन रूट 56 इक्वल्स पॉजिटिव वन आ जाएगा। तो x टू द पावर ऑफ 224 का वैल्यू पॉजिटिव वन मिल रहा है हमें, तो हम x टू द पावर ऑफ 224 का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव वन रखेंगे। ठीक है, वो ये अगर x टू द पावर ऑफ 224 का वैल्यू पॉजिटिव वन मिल रहा है तो हमें और एक चाहिए, वन डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 24 वन डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 224 चाहिए, तो इक्वल्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 224 का वैल्यू वन है, तो इसका मतलब ए भी वन ही आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इक्वल्स ये टू एक्स टू द पावर ऑफ 224 का वैल्यू वन रख रहा हूँ मैं, प्लस ऑफ ये वन डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 224 का वैल्यू भी वन ही है, तो दोनों वन ही हो रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों मिल के क्या हो रहे हैं टू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।